हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली हेल्थ केयर में, जहां हम आपको बताते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें जो होती हैं आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। डायबिटीज़ में इन 10 खाद्य पदार्थों से रहें दूर। डायबिटीज़ गलत जीवन शैली का नतीजा है। यह बहुत खतरनाक बीमारी है और एक बार इसका शिकार होने के बाद जीवन भर व्यक्ति इसकी चपेट में रहता है। डायबिटीज को नियंत्रित रखने के इंसुलिन, नियमित व्यायाम के साथ साथ खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। मधुमेह के रोगियों को सबसे अधिक ध्यान खाद्य पदार्थों पर ही देना चाहिए, नहीं तो यह और भी बदतर हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों को कुछ आहारों से दूरी बना लेना चाहिए। कैंडी। कैंडी एक मीठा खाद्य पदार्थ है। डायबिटीज होने पर इसे नहीं खाना चाहिए। मधुमेह में कैंडी खाने से ब्लड शुगर का स्तर अनियंत्रित हो सकता है। इसके अलावा यह वजन बढ़ाने का काम भी करता है। अधिक सेवन और अनियंत्रित ब्लड शुगर दोनों ही मधुमेह को बदतर कर देते हैं। फ्रूट जूस। वैसे तो साबुत फलों को डायबिटीज के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि फ्रूट जूस के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यह फ्रूट शुगर युक्त होता है जो डायबिटीज को और ज्यादा बदतर कर देता है। इसीलिए फलों के जूस के बजाय साबुत फलों का सेवन करना चाहिए। किशमिश। हालांकि किशमिश को स्वास्थ्य स्नैक माना जाता है, लेकिन डायबिटीज होने पर इसके सेवन से बचना चाहिए। इसमें नेचुरल शुगर होता है जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। ब्लड शुगर के स्तर को सामान्य रख कर ही नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों को किशमिश जैसे स्वस्थ स्नैक से भी परहेज करना चाहिए। चिल्ला और चाशनी। चिल्ला टिकिया के साथ चाशनी देखकर भले ही आपके मुंह में पानी आ गया हो, लेकिन डायबिटीज में यह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें सफेद आटे का प्रयोग होता है जो वसा युक्त होता है, जबकि मात्र एक कप चाशनी में 16 चम्मच से ज्यादा शुगर होता है, जो वजन के साथ ब्लड शुगर को भी बढ़ा सकता है। फ्रेंच फ्राइज। यह एक ऐसा आहार है जो आपके वजन के साथ साथ ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है। तले हुए फ्रेंच फ्राइज में मीठे आलू का प्रयोग किया जाता है, जो पूरी तरह से अस्वस्थ स्नैक है और इससे ग्लूकोज का स्तर अनियंत्रित हो जाता है। इसमें सोडियम की मात्रा भी होती है जो ब्लड ग्लूकोज के लिए ठीक नहीं होती। सफेद ब्रेड। डायबिटीज के रोगियों को सफेद ब्रेड खाने से परहेज रखना चाहिए। इसके अलावा मधुमेह रोगियों को सफेद चावल, सफेद पास्ते के सेवन से भी बचना चाहिए। इसमें रिफाइंड स्टार्च होता है, शुगर की तरह यह भी ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। फुल क्रीम युक्त दूध। मधुमेह के रोगियों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें संतृप्त वसा होती है जो डायबिटिक के लिए ठीक नहीं। अगर मरीज इंसुलिन का प्रयोग करता है तो संतृप्त वसा उसकी क्षमता को कम कर देता है, जिनकी जगह टोंड दूध या दही का सेवन करना चाहिए। बेकन। बेकन यानी सुअर के मांस में बहुत अधिक फैट होता है, जो डायबिटिक के लिए ठीक नहीं होता। अधिक वसा युक्त आहार का सेवन करने से कई दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो कि डायबिटीज के मरीज को पहले से होता है। केक और पेस्ट्री। यह सभी को पता होता है कि डिब्बा बंद केक और पेस्ट्री में शुगर, सोडियम आदि की मात्रा अधिक होती है, ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। इंसुलिन लेने वालों को तो बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तला हुआ चिकन। तले हुए चिकन के सेवन से डायबिटिक्स को परहेज करना चाहिए। इसमें सोडियम, कार्ब्स, कैलोरी होती है जो ब्लड शुगर को बढ़ा देती है, साथ ही तेलीय और वसा युक्त भी होता है जो वजन भी बढ़ा देता है। इसलिए डायबिटीज का रोग होने पर तला हुआ चिकन खाने से परहेज करें। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो था आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने किसी भी तरह के सवाल को पूछने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।